Hello friends and students, welcome to my YouTube channel RN English Study. I am Rajbindu Nirala. Now I am going to teach and explain you BACB Panorama English Book of Class 10. The chapter is from poetry section and the name of the poetry is Ode on Solitude. Ode on Solitude. It is written by Alexander Pope. Ode on Solitude. Written by Alexander Pope. Let me explain you in Hindi. Alexander Pope, 1688 to 1744. Alexander Pope का जन्म 1688 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1744 ईस्वी में हुई थी. Was one of the greatest satirist of the early 18th century. वे 18th century का मतलब होता है 18वीं शताब्दी के वे एक महान व्यंग्यकार थे, सैटिरिस्ट मीन्स व्यंग्यकार थे. वे 18वीं शताब्दी के एक महान व्यंग्यकार थे. He was also a critic. वे एक आलोचक भी थे. क्रिटिक मीन्स होता है आलोचक. बट ही इज़ रिमेम्बर्ड चीफली एज अ सैटरिस्ट. लेकिन वे रिमेम्बर किए जाते हैं अर्थात स्मरण किए जाते हैं, याद किए जाते हैं मुख्य रूप से किसके लिए, तो सैटरिस्ट के लिए, व्यंग्यकार के लिए. This vein of his poetry is best expressed in The Rape of the Lock, The Dunciad and The Apistus. उनकी यह अंदाज गुण The Rape of the Lock, The Dunciad और Apistus में देखने को मिलता है. ये उनकी अन्य पोइट्री हैं जिसमें इस तरह का सैटिरिस्ट, इन्होंने सैटायर का प्रयोग किया है एपिस्टस में भी. अब आगे क्या है, टू ऑफ हिज अदर फेमस वर्क्स आर एसे ऑन क्रिटिसिज्म. उनकी अन्य दो कृतियां हैं एसे ऑन क्रिटिसिज्म, आलोचना पर निबंध, एसे ऑन मैन, मानव पर निबंध. ओड इज अ पोएम एड्रेस्ड टू ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट. ओड जो है एक प्रकार की कविता है, पोएम है जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को संबोधन किया जाता है या जिसे संबोधन किया जाता है ओड से. द ग्रीक, ग्रीक का मतलब यूनान हुआ. द ग्रीक वर्ड ओड मीन्ट अ कोरिक सॉन्ग जनरली अकम्पेनिड बाय डांस. ओड जो यूनानी शब्द है इसका अर्थ होता है कोरिक संग, संवेद गान जिसमें नृत्य भी समाहित होता है. जनरली अकम्पेन्ड बाय डांस जिसमें नृत्य भी समाहित होता है, साथ साथ नृत्य भी होता है. द टर्म इज प्रेजेंटली यूज्ड टू रेफर टू लॉन्ग मेडिटेटिव लिरिक पोएम्स दैट डिग्निफाइड मैनर एड्रेस अ नोबल सब्जेक्ट. लेकिन वर्तमान युग में इस शब्द का प्रयोग वैसे दीर्घ मननशील गीतात्मक कविताएं, लॉन्ग मेडिटेटिव दीर्घ मननशील लिरिक पोएम का मतलब हुआ गीतात्मक कविताएं, दैट डिग्निफाइड मैनर
अर्थात जो गरिमामय विद्या या प्रतिष्ठित तरीके, डिग्निफाइड मैनर, गरिमामय विद्या या प्रतिष्ठित तरीके से किसी भव्य विषय को निवेदित होती है, अर्थात किसी खास वस्तु को संबोधन किया जाता है, नोबल सब्जेक्ट, खास वस्तु या खास विषय। इन द प्रेजेंट पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड, हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड, द पोएट ड्रॉज अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ अ हैप्पी मैन, कवि एक खुशहाल व्यक्ति की एक खूबसूरत तस्वीर को प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग कविता के बारे में जानेंगे। अब यहां से है, हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर। अब यहां क्या कर रहा है कि वह आदमी खुशहाल है जिसकी हर प्रकार की इच्छा और संतुष्टि प्राप्त होती है। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। अब यहाँ फर्स्ट स्टैंजा, इस कविता को 5 स्टैंजा में बांट दिया गया है। पहला स्टैंजा हम लोग पढ़ेंगे, हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड कंटेन टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड। अब यहाँ कह रहा है हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर फ्यू पैटर्नल एकर्स। पैटर्नल का मतलब होता है पितृक या पैतृक, एकर्स का मतलब हो गया जमीन, इसमें एकर्स का मतलब जमीन होता है जिसको पैतृक जमीन प्राप्त है। कंटेंट टू ब्रेथ, कंटेंट मतलब हुआ संतुष्टि, ब्रेथ जो सांस लेता है, संतोष का सांस लेता है, नेटिव एयर अर्थात अपने ही गांव देश में वो रहता है और वहां सांस लेता है, नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब यहाँ हो गया मैदान नहीं होता है, बल्कि ग्राउंड का मतलब होता है जमीन, अपना घर, अब पूरा का अर्थ हम लोग समझें। अब यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि कवि के विचार में वही मनुष्य सुखी है जिसे अपने पूर्वजों से कुछ एकड़ जमीन मिली है और जिसे अधिक धन प्राप्ति की इच्छा नहीं है, जमीन की देखभाल के अतिरिक्त उसे कोई अन्य चिंता नहीं है, जो अपनी जन्मभूमि को प्यार करता है और अपने गांव की स्वच्छ हवा में सांस लेता है, ऐसा व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करता है, इस पहला स्टैंजा का अर्थ होता है। अब हम लोग दूसरा स्टैंजा देखें, In his own ground, whose herds with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade. अब यहाँ क्या कर रहा है कि whose herds का मतलब होता है गायों और भैंसों का झुंड, whose fields with bread, अब यहाँ ब्रेड का मतलब रोटी नहीं हम समझेंगे, ब्रेड का मतलब होता है भोजन, अनाज, अर्थात पहले इसका अर्थ समझ ले, हुज फ्लॉक्स, फ्लॉक का मतलब हो गया, फ्लॉक का मतलब भैंस, भेड़ का समूह, फ्लॉक, अप्लाई ही विद अटार, अटार का मतलब होता है पोशाक, कविता में अर्थ है ऊनी वस्त्र से, whose trees in summer yield him shade in winter fire, और yield का मतलब होता है yield का मतलब हुआ समर्पण करना, प्रदान करना, अर्थात जिसको
अपने ज़मीन पर मौजूद पेड़, उपस्थित पेड़ क्या करता है तो छाया देता है, और जाड़े के दिनों में विंटर फायर, जाड़े के दिनों में आग के लिए लकड़ियाँ देता है। अब हम लोग इसका पूरा अर्थ जाने। अब कभी दूसरा स्टेंजा में कहते हैं, वही मनुष्य सुखी है जो अपने आप में पूर्ण होता है, वह अपनी गायों से दूध और अपनी भेड़ों से वस्त्र के लिए ऊन प्राप्त कर लेता है, उसे खेतों से रोटी के लिए गेहूं अर्थात अनाज मिलता है, उसे ग्रीष्म काल में वृक्षों से छाया और जाड़े में जलावन के लिए लकड़ी मिल जाती है। यह दूसरा स्टेंजा का है। अब हम लोग तीसरा स्टेंजा का देखें। तीसरा स्टेंजा में क्या कह रहा है, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड जो है इसको हम BLESSED ब्लेस्ड पढ़ेंगे। ब्लेस्ड अर्थात भाग्यशाली, सुखी, आशीर्वाद प्राप्त जिसको कहेंगे। ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नली फाइंड, अनकंसर्नली, अनकंसर्नली का मतलब हुआ चिंता मुक्त, चिंता रहित होकर। तो ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नली फाइंड, आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे। आवर्स का मतलब हुआ घंटे, डेज दिन, ईयर्स वर्ष, स्लाइड सॉफ्ट अवे का मतलब हो गया सरकना, आसानी से सरक जाना। क्वाइट बाय डे उसका दैनिक जीवन शोरगुल से दूर होता है। अब इसका हम लोग भावार्थ समझ ले, अर्थ समझ ले। ऐसा व्यक्ति सचमुच सुखी है जो सांसारिक उलझनों और चिंताओं से मुक्त है, उसके घंटे दिन और वर्ष शांति पूर्वक आनंद से व्यतीत होते हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मानसिक शांति रहती है, जो शीघ्रता आंतरिक द्वंद्व और बाह्य छल से मुक्त रहता है, उसका जीवन शोरगुल से दूर रहता है। यह हुआ दूसरा स्टेंजा का। अब हम लोग आगे का स्टेंजा हम जाने, अगला आगे का जाने। अब यहाँ क्या कहता है कि साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड, स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस विच मस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन। अब इसका अर्थ हम लोग जान लें। साउंड स्लीप, साउंड स्लीप का मतलब हो गया गहरी नींद, साउंड स्लीप गहरी नींद। साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज, स्टडी अध्ययन, और ईज का मतलब हुआ आराम, विश्राम, ईज। एंड इनोसेंस, एंड इनोसेंस मतलब निर्दोष, सीधा साधा, इनोसेंस। विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन का अर्थ हो गया ध्यान, चिंता मनन, चिंतन मनन। अब इसका अर्थ हम लोग जान लें। अब यहाँ क्या कर रहा है कि सुखी व्यक्ति रात्रि में प्रगाढ़ नींद से सोता है, वह अपना समय अध्ययन और विश्राम करने में बिताता है, वह निर्दोष जीवन व्यतीत करता है, उसके जीवन में चिंतन और अहानिकर मनोरंजन का सामंजस्य है, होता है। यह हुआ चौथा स्टेंजा। अब हम लोग आगे का स्टेंजा जाने, अंतिम स्टेंजा। दस
लेट मी लीव अनसीन अननोन दस अनलिमिटेड लेट मी डाई स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई। अब यहाँ पॉइंट कहते हैं अनसीन दस लेट मी लीव अनसीन 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 का अर्थ हो गया अनदेखा अननोन अज्ञात। दस अनलिमिटेड अनलिमिटेड बिना पश्चाताप किए जिसका कोई रोने वाला ना हो, बिना पश्चाताप किए जिसका कोई रोने वाला ना हो। और लेट मी डाई मुझे मरने दो, स्टील स्टील का मतलब हुआ चुपचाप चल देना, वैसे स्टील का अर्थ होता है चुराना लेकिन यहाँ हुआ चुपचाप चल देना। फ्रॉम द वर्ल्ड इस संसार से, वर्ल्ड संसार से। एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई, स्टोन का पत्थर होता है लेकिन यहाँ स्टोन का मतलब हुआ स्मारक पत्थर। टेल वेयर आई लाई, लाई मैंने हुआ लेटना, लेटकर आराम करना। अब इसका अर्थ हम लोग समझ लें। अब यहाँ से पॉइंट क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि एकांत में जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, वह कार्य में व्यस्त लोगों के संपर्क से दूर रहना चाहता है। अर्थात कभी जो है कार्य में व्यस्त लोगों के संपर्क से दूर रहना चाहते हैं, वे ख्याति प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, लोगों द्वारा अपने को ज्ञात कराने की आकांक्षा भी उनको नहीं है। वे चाहते हैं कि अज्ञात और किसी के बिना देखे हुए इस संसार से चल बसे, मतलब मृत्यु हो जाए उनकी। वे नहीं चाहते कि कोई उनके मरने के पश्चात उनके लिए आंसू बहाए, वे चुपचाप इस दुनिया को छोड़ देना चाहते हैं, वे अपनी कब्र पर स्मारक पत्थर को भी नहीं लगाना चाहते हैं ताकि लोग यह जान सके कि मरने के बाद वे कहाँ लेटे हुए अर्थात उनकी उनके शव को कहाँ गाड़ा गया है, दफनाया गया है। इस तरह से इस कविता का अर्थ पूर्ण हुआ। अब इसमें जो ब्रीफली शॉर्ट क्वेश्चन है इसका मैं आंसर और बाकी एक्सरसाइज दूसरे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अपना राय मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं आगे बेहतर ढंग से और ज़्यादा प्रदर्शन कर सकूं। धन्यवाद।